हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशिप। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम सीखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स क्या होते हैं? सी आर्टिकल्स वी ऑल नो, बस यहाँ पर आर्टिकल्स वी नो अ युन दे ल लाले, बट यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो हैं हमारे ल ला ले एंड एल अपोस्ट्रोफी। सो जब ये ल ला ले कंबाइन होते हैं प्रेपोजिशंस, दो हम प्रेपोजिशन हमारे पास प्रेपोजिशन है आ और द, द का मतलब होता है ऑफ और फ्रॉम, ठीक है। सो ऑफ और फ्रॉम जब ये दो प्रेपोजिशन इन सब के साथ मिलती हैं एक सेंटेंस के अंदर, तब वो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल फॉर्म होता है फ्रेंच के अंदर। मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। इफ़ आई से आई एम गोइंग टू द पार्क, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये कहा, राइट? सो मैंने आप लोगों को ये वाला एग्जांपल दिया, आई एम गोइंग, ये हमारी आले वर्ब है, सो हमारा हो जाएगा ज़ वे, आले वर्ब हमने कर रखी है ज़ वे, ठीक है। टू, टू को हम फ्रेंच में कहते हैं आ, द को हम कहते हैं द, हम तभी डिसाइड कर सकते हैं व्हेन वी नो इसका जेंडर, ठीक है। सो सबसे पहले हम पार्क को लिख लेते हैं, जो वे ओ पार्क, पार्क को हम ये कहते हैं फ्रेंच के अंदर। नाउ एंड पार्क इज मैस्कुलिन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नाउ यू सी आ और ल कंबाइन हो गए, तो ये जब कंबाइन होते हैं तभी हमारे कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स फॉर्म करते हैं। अब आप लोग कहोगे ये कंबाइन हो गए तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें सिर्फ लिखना है? नो, जब ये दोनों कंबाइन होंगे ये हमारा कुछ फॉर्म करेंगे एंड दैट वी आर गोना लर्न दिस वीडियो। सो आ और ल जब कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म ओ, ठीक है। ये जस्ट थी एक सिंपल सी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, आई एम, सो आई एम का छोड़ते हैं हम लेते हैं जिसमें हमारे पास ऑफ आए, ठीक है। सो दी मदर ऑफ द चाइल्ड, नाउ यू सी हेयर ऑफ यहाँ पर है एंड द है, दोनों कंबाइन हुए। चलो अब इसको फ्रेंच में हम एक बार देखें, तो सी द मदर को हम कहेंगे ला मैर, ऑफ को हम कहेंगे द, चाइल्ड को हम कहेंगे ऑफो, ओफो, एंड यहाँ पर द है, सो अकॉर्डिंग टू द नाउन हमारा एल अपोस्ट्रोफी लग जाएगी, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल बन गया ये हमारा यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसे हमारे बनते हैं कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल। मैंने आपको इंग्लिश में एग्जांपल दे दिया, इंट्रोडक्शन भी दे दिया मैंने आपको बेसिक। अब हम सीखते हैं आ जब ल के साथ कंबाइन करता है तब वो क्या फॉर्म करता है, आ जब ला के साथ कंबाइन करता है तब वो क्या फॉर्म करता है, आ जब हमारा ल अपोस्ट्रोफी के साथ कंबाइन करता है तब वो हमारा क्या फॉर्म करता है, आ जब ले के साथ कंबाइन करता है तब वो क्या फॉर्म करता है, ये सब हम आगे वीडियो में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ द, द जो हमारा प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है ऑफ या फिर फ्रॉम, ठीक है। सो ये हम देखेंगे। नाउ द जब ल के साथ कंबाइन करता है, ल इज यूज फॉर मैस्कुलिन, ठीक है, जब द ल के साथ कंबाइन करता है तब वो हमारा फॉर्म करता है ड्यू, ठीक है। सो जब द ल के साथ कंबाइन करता है वो हमारा क्या फॉर्म करता है, ड्यू, ओके। नाउ द वाला केस हमने सीख लिया है, अब इसका हमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सी अगर मैं कहूँ दी हैट ऑफ द बॉय, ठीक है, सो बॉय इज मैस्कुलिन, ठीक है, सो ल लगेगा हमारा एंड इट वुड बी गार्सों, बॉय को हम कहते हैं गार्सों। शापो, शापो सॉरी हैट को हम कहते हैं शापो, सो ल शापो, शापो, ऑफ को हम कहते हैं द, सो द और ल जब कंबाइन होंगे वो फॉर्म करेंगे ड्यू। सो इसको हम ल शापो द ल गार्सो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ल शापो ड्यू गार्सो, ठीक है। सो मीन्स द हैट ऑफ द बॉय, सो इस ड्यू का मतलब हो गया हमारा ऑफ द बॉय, ठीक है। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड, जब द
एंड ला कंबाइन करेंगे विच इज़ यूज इन फेमिनिन केसेस. ठीक है, सो जब द और ला कंबाइन करेंगे वो हमारा फॉर्म करेंगे द ला. कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द ला ओनली, द ला. मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ द ला का भी. नाउ इफ आई से द स्वेटर ऑफ द गर्ल, ठीक है, मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल रही हूँ, द स्वेटर ऑफ द गर्ल. सो स्वेटर को हम कहते हैं पुल, पी यू डबल एल. ठीक है, ये हमारा होता है मैस्कुलिन, सो हम लगा देंगे ल पुल. ऑफ द गर्ल, गर्ल को हम कहते हैं फील. द ऑफ को हम कहेंगे द, एंड यहाँ पर हम ला लगाएंगे क्योंकि गर्ल इज फेमिनिन. ठीक है, नाउ द ला इज गोना रिमेन सेम ओनली, सो इट बिकम्स ल पुल द ला. फील मीन्स द स्वेटर ऑफ द गर्ल. ओके ओके, चलो फेमिनिन का भी केस हो गया. अब जब द और एल अपोस्ट्रोफी कंबाइन करेंगे, जो कि हमारे यूज होता है व्हेन देयर इज अ वोवल नाउन. ठीक है, वोवल से स्टार्ट होता है वो नाउन, सो इट इज अगेन गोना रिमेन द सेम. सो डी द एंड एल अपोस्ट्रोफी, सो इट रिमेन्स द सेम. अगेन हम द और एल अपोस्ट्रोफी वाले केस का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लिया था, दैट इज द मदर ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, ये हमारे पास, ये हम सेंटेंस लेंगे. सो द मदर को हम कहेंगे ला मदर. एज यू ऑल नो, इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको इस वीडियो का दिया था तब भी हमने एग्जाम्पल लिया था ऑफ द चाइल्ड. सबसे पहले हम चाइल्ड को लिख देते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आगे का ये आर्टिकल लगेगा, ये वाला. ठीक है, सो चाइल्ड को हम कहते हैं ऑफो, ऑफो. ठीक है, सो ऑफो के आगे वोवल है, सो एल अपोस्ट्रोफी एंड ये हमारा लग जाएगा डी डी द एंड एल अपोस्ट्रोफी. नाउ यहाँ पर हमारा क्या है, द और ल कंबाइन कर रहे हैं, सो दे फॉर्म आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टेड, मीन्स आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे, आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे, सो दे आर गोना फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स. ठीक है, नाउ आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टेड है, सो ये कंबाइन करके कोई चेंज नहीं होगा, सो इट इज गोना रिमेन द सेम. ला मैं द लफो, ये हमारा सेम रहेगा. ओके, नाउ अब हम एक और अगला जो हमारा है, दैट इज द और ले जब कंबाइन करेंगे विच इज़ यूज फॉर द प्लूरल, तो वो हमारा बन जाएगा दे. अब एक इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन की क्या बात है, वो बात ये है कि जो हमारा दे होता है ना, वो हमारा एक आर्टिकल भी होता है. आप लोगों को पता होगा अ युन दे, राइट. सो हमारे पास एक दे तो आ गया कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स का, सी ए मतलब कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स, एक दे हमारे पास आ गया आर्टिकल्स का. दोनों में डिफरेंस कैसे जानेंगे, वो ये होगा कि ये वाला जो दे होगा ये हमारा पोजेशन दिखाएगा, जैसे कि इसका मतलब तो होगा ऑफ द फॉर द प्लूरल वन, एंड इसका मतलब होगा सम, ये हमारी कुछ क्वांटिटी बताएगा. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. अगर मैं कहूँ द मदर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे बच्चे और उनकी जो मदर है, द मदर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता वो, चिल्ड्रन होता है. सो चिल्ड्रन, सो ला मैर द, और यहाँ पर लगेगा ले क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है. सो मैं आप लोगों को बताया था चाइल्ड को हम कहते हैं ऑफो और चिल्ड्रन को हम कहेंगे एस लगा के. ठीक है, नाउ यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, क्योंकि द और ले जब कंबाइन करेंगे वो हमारा दे बनाएंगे. सो ला मैर देज ऑफो, ये मैंने सेंटेंस कहा. अब आप लोग कहोगे दे तो हमारा आर्टिकल होता है. अब आप सेंटेंस की फॉर्मेशन से ही अपने आप समझाओगे कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल है या फिर आर्टिकल है सिंपल. ठीक है, क्योंकि ला मैर दी मदर सम चिल्ड्रन,
नो इट इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस. हमारा क्या सेंटेंस बनेगा? द मदर ऑफ द चिल्ड्रन. सो सेंटेंस की फॉर्मेशन से आप समझ जाओगे कि कौन सा दे यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स वाला या आर्टिकल्स वाला. जस्ट द थिंग दैट यू नीड इज अ लिटिल विट प्रैक्टिस. ठीक है, थोड़ी सी वो अपनी वोकैबलरी बिल्ड करोगे तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा. अब हम आ जाते हैं हमारे आ के केस पर. ठीक है, आ जब हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स ल ला ले इनके साथ जब यूज होगा उस पर हम आ जाते हैं. सो बेसिकली लेट मी जस्ट टेल यू द मीनिंग. आ का मैं आप लोगों को मीनिंग बताती हूँ. सो आ का मतलब होता है एट, टू और इन. ठीक है, ये सब मतलब होते हैं हमारे आ के. ठीक है, नाउ वेन एवर दिस प्रेपोजिशन आ, जब भी ये प्रेपोजिशन, आई एम सो सॉरी दिस ट्राइपॉड. सो वेन एवर दिस प्रेपोजिशन आ इज गोना कॉन्ट्रैक्ट विद ल, ल के साथ जब भी यूज होगी, सो बेसिकली इट इज गोना बी मैस्कुलिन वन. सो ल के साथ जब भी ये यूज होगी तब ये हमारा बनेगा ओ, ए यू वाला ओ. ठीक है, नेक्स्ट जब भी, चलो लेट्स जस्ट सी एग्जाम्पल ऑल्सो, एक एक करके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. आई एम गोना जस्ट टेक ही, सो दिस इज द सेंटेंस विच आई हैव. इट सेज ही स्पीक्स टू द बॉय. ठीक है, सो ही को हम फ्रेंच में कहते हैं इल, इल. स्पीक्स को हम कहते हैं पार्ल. इसको जब हम कॉन्जुकेट कर देंगे ये हमारा हो जाएगा पी ए आर एल ई. टू द, टू को हम कहेंगे आ, द को हम कहेंगे वो, हम जेंडर हम देखते हैं बॉय होता है हमारा मैस्कुलिन, सो हम लिख देंगे ल. एंड बॉय को हम कहते हैं गार्सों. ठीक है, सो सॉरी दिस एक्सेंट इज गोना बी अंडर सी. ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा ये एक्सेंट, सी के अंदर आएगा. सो इल पार्ल आ ले गार्सों. सो आ और ल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब वो हमारा बना देंगे ओ, ओ. सो ये हमारा बन गया इल पार्ल ओ गार्सों, ही स्पीक्स टू द बॉय और ही स्पीकिंग टू द बॉय. ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है. सो एग्जाम्पल्स पे आई एम गोना फोकस मोर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज आ और ला जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सो ला इज यूज विद द फेमिनिन केस. सो आ और ला जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये हमारा बनाएंगे आ ला, मीन्स इट इज गोना रिमेन द सेम. ठीक है, सो मैं यही एग्जाम्पल लेती हूँ ऊपर वाला बट इन द फेमिनिन केस. सो इफ आई से ही स्पीक्स टू द गर्ल, ठीक है, बॉय की जगह मैंने ले लिया गर्ल. सो सेम रहेगा इल पार्ल, टू को हम कहेंगे आ, गर्ल है तो लगेगा द में ला और फील, गर्ल को हम कहते हैं फील. सो इल पार्ल आ ला फील. ठीक है, ये दोनों यहाँ ये प्रपोजिशन है, ये आर्टिकल है, सो कॉन्ट्रैक्ट होंगे बट इट इज़ गोना रिमेन द सेम. क्योंकि आ और ला जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दे आर गोना रिमेन द सेम. ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो रहा हो आपको. नाउ इनफ ऑफ एग्जाम्पल्स, जस्ट आई एम गोना टेल यू ऑल द रूल ओनली. अब सिंपली मैं आप लोगों को रूल ही बता देती हूँ क्योंकि आई होप यू ऑल आर, बिकॉज आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ, यू ऑल नो कि हाँ ऐसे में ये होगा. सो आ और एल अपोस्ट्रोफी मीन्स वेन ल अपोस्ट, एल अपोस्ट्रोफी इट इज़ यूज विद नाउन स्टार्टिंग विद वॉवल. सो इसके ये इट इज़ अगेन गोना रिमेन द सेम आ एल अपोस्ट्रोफी. ठीक है, देन आ और ले, ले इज यूज विद प्लूरल, सो इट इज़ गोना बी ए यू एक्स. ठीक है, सो आ और द के साथ आप होप, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो. एंड अब हम आ जाते हैं, हम एक हमारा एक छोटा सा रूल भी है इसके अंदर. अब उस रूल पर भी आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा रूल बस. ओके, अब जो हमारा रूल है दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स दे आर नॉट अप्लाइड बिफोर द प्रॉपर नाउन्स. ठीक है, चलो छोड़ो, एक एग्जाम्पल ही लेते हैं. हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ल पुल द ला फील मीन्स द स्वेटर ऑफ द गर्ल. आई होप आपको याद हो कि ये हमने एग्जाम्पल लिया था. नाउ गर्ल की जगह अगर मैं किसी स्पेसिफिक गर्ल का नाम लिख दूँ, इफ आई से ल पुल
द, मैं सिर्फ कहूँगी द मारी, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ हमारा जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होता है. येस इट इज़ यूज्ड, बट ऐसे नाम के साथ हमारा नाम यूज़ नहीं होगा. बट फ्रेंच के अंदर यूज़ होता है, लाइक नोत्रदाम. नोत्रदाम इज़ अ नेम, वो प्रॉपर नाउन है वो, बट इट इज़ ला नोत्रदाम हम उसको कहते हैं. सो यहाँ पर हमारा द ही यूज़ होगा, ठीक है. हमारा वो ल ला ले अप्लाई नहीं होंगे. सो दिस वॉज द रूल ओनली. फॉर मोर रेफरेंस टू दैट रूल यू कुड रीड दिस पार्ट ऑफ दिस बुक विच आई हैव विद मी, एंड येस यू कुड रीड दिस पार्ट ऑल्सो इफ यू फेस एनी डाउट. सो हेयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू ऑल वेर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द आ ओ आला आ and la apostrophe aux and a. okay, so it's gonna be fun. You all do this, and yes, we are gonna see how much do you score. Tell me answers in the comments. So there are total of 12 questions. You may attempt the first 5 and after that the baki ke 5 and baki ke 2, to ho jayenge na 12 jaldi se. So yes, try doing it and keep a notebook pen beside you and you will be able to solve it. So for the, I don't have any exercise specifically. You could search on Google, any browser. Let me just make it a bit perfect. So yes, for the, I don't have any exercise. You may see it on internet. क्योंकि जो मैंने मेरे पास वो एक्सरसाइज आई हैव ऑलरेडी फिल्ड इट एंड यू कुड ईजिली सी द आंसर. सो दैट इज़ आई डोंट वॉन्ट शेयर इट विद यू. एंड येस, इज नॉल फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया हो, एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है, सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स. आई इन ईच एंड एवरी वीडियो आई से यू दैट यू आस्क मी इन कमेंट्स, बट नो वन ऑफ यू आस्क मी. सो अगर आप मुझसे डाउट पूछते हो तो मुझे अच्छा लगेगा. मुझे लगेगा कि येस, डाउट्स तभी आते हैं जब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया. अगर समझ में ही नहीं आया होगा तो आप तो कहोगे येस मैम आ गया सब कुछ समझ में. सो मेक श्योर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना. फील फ्री टू आस्क मी. एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो आप लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. थैंक यू.